एयर स्ट्राइक पर बोले पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद, एयर स्ट्राइक पर राजनीति कर रही है बीजेपी। एटा में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि एयर स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि इस मुद्दे पर आम चर्चा ना हो तो ठीक है, क्योंकि हमारा दुश्मन भी सोचेगा कि हम आपस में एक नहीं है, हम में आपस में भी कोई दरार है, इससे देश का नुकसान होता है। एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेताओं द्वारा सबूत मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में जो कुछ भी होता है वो बात सीमा तक और जो भी वास्तविकता है वो जनता को बतानी चाहिए। देखिए, मैंने अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं से यही बात कही है कि ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा ऐसी घटना है जिस पर आम चर्चा ना हो तो बेहतर है, इसलिए कि कोई भी बात कोई व्यक्ति कह देता है उसको उसका बड़ा बतंगड़ बन सकता है और हमारा दुश्मन ये देखेगा कि हम आपस में सहमत नहीं हैं, क्या हमें आपस में भी कोई दरार है, तो उससे हमारे देश का नुकसान होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में जो भी होता है कुछ कुछ सीमा तक वो बात और जो भी वास्तविकता है वो जनता को बतानी चाहिए और सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन हमने विपक्ष ने ये कहा है कि जब देश पर संकट है तो हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे, हमारा पूरा समर्थन हमारी फौज के साथ है, हमें पूरा विश्वास है और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान माल का नुकसान उठाकर उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी की है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सवाल किया है उनके पास कोई सूत्रों से जानकारी आई होगी। उन्होंने कहा कि इस समय ऐसे सवाल ना पूछें तो अच्छा है, क्योंकि एक सवाल में 50 सवाल निकलते हैं। जिन लोगों ने सवाल किया है वो शायद कोई सूत्रों से उनके पास कुछ सूचनाएं होंगी, उनको लेकर उन्होंने सवाल किया है। मैं तो स्वयं ये मानता हूं कि मेरी उनसे कभी बात नहीं हो पाई है, मैं तो क्षेत्र में रहा, मैं ये मानता हूं कि इस समय सवाल ना पूछे तो अच्छा है कि एक सवाल में 85 सवाल और निकलते हैं, लेकिन अगर उनके पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसे वो समझते हैं कि वो जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि जहां तक हो सके, जहां तक संभव है, अगर आम चर्चा ना हो तो हमारे देश का इसमें हित रहेगा। लेकिन दुख है इस बात का कि सरकारी पक्ष से प्रयास भी किया जा रहा है कि वो इसका राजनीतिकरण करके इसका राजनीतिक फायदा उठाएं। आज जो राजनीतिक फायदा उठा रहा है इसको, जिसे हमारे अंग्रेजी में एक कहावत अमेरिका में है, एम्बुलेंस चेसर्स, कि कुछ वकील होते हैं जो एम्बुलेंस लेके पहुंच जाते हैं, जहां भी कोई दुर्घटना होती है एम्बुलेंस लेके पहुंच जाते हैं, वैसे ही हम जो है इस समय कहीं कोई शोक का कोई विषय हो जाए या दुख का विषय हो जाए उसको लेकर हम छाती पीटना शुरू करें तो वो अच्छी बात नहीं है। हमारे नौजवान हमारे लिए अपनी जान पर खेलकर हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें इतना ही कहना मैं समझता हूँ बहुत है। आगे चर्चा का समय होगा तब चर्चा कर लेंगे, तत्काल चर्चा क्यों कर रहे हैं, आज क्यों कर रहे हैं, मैं सरकारी पक्ष से भी कहता हूं और अपने साथियों से भी कहता हूं। परंतु यदि उनके पास सरकार के पास कोई जानकारी है तो वो भी जनता के सामने आनी चाहिए। परंतु दुख है कि इस बात का कि सरकारी पक्ष से प्रयास किया जा रहा है कि वो इसका राजनीतिकरण करके इसका राजनीतिक फायदा उठाए, बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरा ये कहना भी एक राजनीतिक फिर विचार हो जाता है, तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 जो किया है उसको भुनाएं, अगर किया है तो भुनाएं, इसको ना भुनाएं। ये हम सबका सार्वजनिक, सबका इकट्ठा होकर देश के सम्मान का मामला है, इसको हम इसका ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं हम राजनीतिक। उन्होंने कहा कि मैं दोनों पक्षों से कहता हूं कि अभी चर्चा क्यों, इस मुद्दे पर बाद में चर्चा कर लें। सलमान खुर्शीद ने बीजेपी के खिलाफ देश में साझा मोर्चा बनाने का संकेत देते हुए कहा है कि इस समय भाजपा को सरकार से हटाना है और जनता की एक अच्छी सुलझी सरकार लाना है। इसमें कितना किसका योगदान होगा, कितना अधिकार होगा, ये हम आपस में बैठकर तय कर सकते हैं।
मैं मानता हूं कि नहीं होना चाहिए प्रयोग, और अगर हो तो ऐसे हो कि पूरा देश एक ध्वनि में एक भाषा में खड़े होकर कहे कि हमें गर्व है अपने नौजवानों पर। आखिर ये मुझे बताएं, जब लता मंगेशकर ने वो गीत गाया था कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तो उसमें पीछे ये तो नहीं कह दिया था लेकिन पार्टी को भी याद रखना, ये तो नहीं कहा था। आज सिर्फ उन्हीं की याद काफ़ी है, आज उन्हीं को सलाम काफ़ी है, आज उन्हीं को सम्मान देना काफ़ी है, और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हैं वो राजनीति में हो जाएंगी। हम एक मिले जुले प्रयास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि जनता का भी समर्थन हमारे इस प्रयास को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके लिए हर बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक को बीजेपी द्वारा भुनाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 साल जो भी किया है उसको भुनाएं, इसको ना भुनाएं। यह हम सबका सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर देश के सम्मान का मामला है, इसका हम राजनीतिक मंच पर ध्रुवीकरण नहीं कर सकते। कांग्रेस ने तो बहुत स्पष्ट शुरू से कर दिया है कि हम हर बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम ये मानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाना है और जनता की एक अच्छी मानी सुलझी सरकार हमको लाना है, लेकिन उसमें किसका कितना योगदान होगा, किसका कितना अधिकार होगा, ये हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे, लेकिन एक मिला जुला प्रयास होना चाहिए। मिले जुले प्रयास की तरफ हम लोग अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जनता का भी समर्थन हमारी इस स्ट्रेटजी को, हमारी इस योजना को मिलेगा। एटा से टाइम सिटी न्यूज के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट।